प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है मेंढक का अहंकार। एक तालाब के पास एक झरना बहता था। उस झरने के पास एक मेंढकी ने 5 बच्चे दिए। अब वह बच्चे बहुत ही शरारती थे और बहुत ही तेज भी थे। हर वक्त उछल कूद करते रहते और मेंढकी बहुत खुश होती अपने इन बच्चों को देखकर। उस तालाब के आसपास कोई भी पंछी, कोई मेंढक या कोई भी जीव जंतु नहीं रहते थे। इसीलिए मेंढकी के बच्चे आजादी से वहां घूमा करते थे और उन्हें लगता था बस हम और हमारी माँ यही सारी दुनिया है, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने अपनी माँ के सिवा कभी किसी और जीव जंतु को देखा ही नहीं, तो उन्हें लगता था कि दुनिया में सबसे बड़ी सिर्फ हमारी माँ ही है। वह मेंढकी काफी बड़ी और चौड़ी थी और आकार में उस मेंढकी का साइज भी काफी बड़ा था। अब वह मेंढकी तालाब में झरने के पास अपनी पोखर में आराम से लेटी रहती, खाती पीती और अपनी पोखर में वापस चली जाती और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ खूब मस्त मौला जिंदगी जी रही थी। अब एक दिन उसके बच्चों ने माँ से आकर कहा, माँ हम हर वक्त यहीं खेलते कूदते रहते हैं, हमें भी कहीं और जाकर खेलने का मन करता है। माँ इस तालाब के पास खूब सारा जंगल है, हम वहाँ चले जाएं, वहाँ पर हमें मन करता है कि हम वहाँ जाकर भी खेलें, हम पांचों वहाँ जाकर खेल लें। अब मेंढकी ने उन्हें समझाया, ठीक है तुम वहाँ चले जाओ, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। वह बच्चे माँ को बताकर वहाँ चले गए और वहाँ जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। तालाब के आसपास झरने का पानी बह रहा था और पांचों बच्चे वहाँ मस्त मौला खेलने लगे। अपनी मस्ती में कभी इधर कभी उधर, कभी किसी शाखा पर झूमते, कभी कहीं झूमते और फिर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। अब एक बच्चा भटकते भटकते कुछ आगे बढ़ गया और खेलते कूदते वह उन बच्चों से अलग होकर कहीं आगे की ओर चला गया। अब वे जैसे ही काफी दूर निकल गया, उसने एक बैल को आते हुए देखा। अब उसने पहले यह तो देखा ही नहीं था, उसे तो मालूम ही नहीं था कि यह एक बैल है। इतना बड़ा बैल देखकर तो वह थर-थर कांपने लगा। अरे यह कौन है, इतना बड़ा, इतना विशाल काय, इतना बड़ा भी कोई होता है क्या? यह सब देखकर वह थर-थर कांपने लगा और फुर्ती से भागते हुए अपने भाइयों के पास चला गया और उनके पास जाकर तो उससे बोला भी नहीं गया। वह उसे देखकर घबरा गए। उन्होंने सोचा, अरे इसे क्या हो गया, अभी तो यह हमारे साथ खेल रहा था, अब यह क्यों नहीं बोल पा रहा। उन्होंने उससे पूछने की कोशिश की, तुझे क्या हो गया, कुछ बता तो सही क्या हुआ। उस मेंढकी के छोटे से बच्चे ने कहा, तुम्हें मैं क्या बताऊं, मैंने इतना बड़ा कुछ देखा। बाप रे, इतना बड़ा भी कभी कुछ होता है क्या, मैं तो देखकर घबरा गया। उसके बच्चों ने उसे कहा, छोड़ो तुमने कहीं कुछ और देखा होगा, हमारी माँ से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में, सबसे बड़ी हमारी माँ है। उसके बच्चे ने कहा, नहीं नहीं, माँ से बड़ा, माँ से भी और बड़ा मैंने देखा, तुम मेरे साथ चलकर देखो। अब वे पांचों उस तरफ चले गए। जब उन्होंने देखा इतना विशाल काय बैल, वह भी देखते ही थर-थर कांपने लगे। बाप रे,
इतना बड़ा यह कौन जीव है? वे भागकर अपने घर वापस आ गए और माँ के साथ लिपटकर तेज तेज रोने लगे। माँ हमें बचाओ, माँ यह कौन सा जीव आ गया, माँ इतना बड़ा। माँ ने उन्हें प्यार से समझाया, अरे बच्चों क्या हो गया, कौन इतना बड़ा आ गया, आराम से मुझे बताओ तो सही क्या हुआ। अब सभी बच्चे एक साथ बोले, माँ जब हम जंगल में चले गए थे ना, वहाँ पर कोई इतना बड़ा जीव था, माँ हम उसे देखकर डर गए। माँ ने बड़ी आसानी से उन्हें समझाया, नहीं बेटा कोई भी इतना बड़ा नहीं होता, देखो तुम्हारी माँ कितनी बड़ी है। तो सबसे छोटे बच्चे ने कहा, नहीं माँ आपसे भी बड़ा। माँ ने कहा, रुको मैं तुम्हें समझाती हूँ। माँ ने अपने शरीर को फुलाकर बड़ा किया और बोली, देखो इतना बड़ा था ना वे। तो बच्चों ने सिर हिलाकर माँ को ना कहा, ना माँ ना, आपसे भी बड़ा। अब माँ ने फिर से अपने शरीर को और फुलाया और बोला, इतना बड़ा था। अब सभी बच्चे एक साथ बोले, नहीं माँ इससे भी बड़ा। वह मेंढकी को अपने बड़े होने का बहुत अहंकार था। वह मेंढकी अपने शरीर को फुला फुला कर बड़ा करती जा रही थी और अपने पेट को फुला रही थी, जिससे उसके बच्चों को लगे कि दुनिया में सबसे बड़ी बस वही है। अब मेंढकी बार बार उनसे पूछ रही थी, क्या वह जीव इतना बड़ा था, देखो मुझे। सभी बच्चे ना में जवाब देते। अब वह मेंढकी फिर से अपने पेट को फुलाती और बोलती, देखो इतना बड़ा। फिर बच्चे बोलते, नहीं माँ इससे भी बड़ा। ऐसे करते करते मेंढकी का पेट फट गया और वह वहीं मर गई, क्योंकि मेंढकी को बहुत अहंकार था अपने बड़े होने का। उसे लगता था इस दुनिया में वही सबसे बड़ी है और अपने बच्चों को भी उसने यही समझाया था कि मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब माँ को मरते ही अचानक वह सारे पांचों के पांचों बच्चे बिलख बिलख कर रोने लगे, माँ यह तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक चुप क्यों हो गई, बोलो माँ कुछ तो बोलो। अब वह मेंढकी मर चुकी थी। तभी उड़ता हुआ एक भंवरा वहां पर आया। उसने उन बच्चों को रोते हुए देखा तो उस भंवरे ने उन बच्चों को समझाया कि देखो बच्चों, तुम्हारी माँ को बड़े होने का बहुत अधिक अहंकार था और उसने तुम्हें बाहर की दुनिया ना दिखाकर सिर्फ अपने आप को ही बड़ा बनकर दिखाती रही और इसी अहंकार की वजह से तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई। उस भंवरे ने उन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। वह बच्चे समझ गए कि हमारी माँ को बड़े होने का अहंकार था और वह फिर से अपनी दुनिया में वापस लौट आए। देखा बच्चों, अहंकार की दुनिया बहुत छोटी होती है, चाहे वह फिर किसी में भी हो। अहंकार हमें सच्चाई की तरफ बढ़ने नहीं देता और झूठ में ही घेरे रखता है। फिर चाहे हमारी मृत्यु, हमारा सम्मान भी खो जाए, लेकिन हम अपना अहंकार नहीं खोना चाहते। और इसी अहंकार ने बड़े बड़े शूरवीर राजा महाराजाओं को भी बर्बाद कर दिया। प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।